गिरा बिरा मत दियो, चोट लग जाएगी उसको। Hey guys, welcome back to my new vlog. तो गाइज आज हमारे साथ पीयूष, जो कि लास्ट वीडियो में रूट गया था, बट सुबह सुबह मान गया है कुछ। तो अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी इस पे, जो कि है इलेक्ट्रिक शार्पनर, जो कि कल अपने आर्ट चैनल पे आ जाएगी, देख लेना। तो हाँ पीयूष, क्या कहना चाहिए, कल क्या हुआ था? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ था? कुछ भी नहीं। तो हाँ गाइज, काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप क्लिक बेट करते हो, तो क्लिक बेट मैं नहीं करता हूँ। जो भी नेचुरल होता है, ये सच्ची में रूट गया था ऐसा। तो गाइज जो भी नेचुरल होता है, जो भी मतलब हमारे घर में होता है या फिर मेरी लाइफ से रिलेटेड सब कुछ, लाइफस्टाइल व्लॉग्स जो भी हम घर में करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, ना ही कुछ होता है। तो गाइज मैंने 3 पेंटिंग बनाई है पड़ोस में किसी की, दिखाऊंगा नहीं गाइज वीडियो में, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे जैसी भी है यार, मैं इतना टाइम छोड़ना है कि अच्छे से बनाऊँ। गए क्या हो? तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू व्लॉग। पीयूष रूट गया था पीयूष को बनाने के लिए। पीयूष ने बोला कि मेरे को आप बताना कि व्लॉग करते कैसे हैं, कुछ टिप्स वगैरह देना। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे और पीयूष को बताएंगे अच्छे से। सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए, आप चाहे फ़ोन से व्लॉग कर रहे हो, चाहे कैमरे से कर रहे हो, जैसे कि हमारे पास तो कैमरे हैं, हम तो कैमरे से करते हैं। तो जैसे भी दिख कर एक बार कर, हाथ को जितना दूर कर सकता है उतना दूर कर, ठीक है? इतना दूर? दूर दूर, पास नहीं। हर हरकतें मत कर यार, मैं कैसे समझाऊंगा। उसके बाद ये जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन में मत देखियो, ये जो लेंस में देखना है। यूजली हम स्क्रीन में देखते हैं, बट हमको लेंस में देखना है ताकि आई कॉन्टेक्ट बना रहे, जो ऑडियंस है उनके साथ में आए। सबसे पहला पॉइंट तो यही है। इतनी लेंस अगर हम उस साइड देखते हैं ना, तो ऐसे हो जाती है आंखें, इसमें से सीधा नहीं, चाहे कहीं भी हो लेंस में देखना है, ठीक है? लेंस में। तो ध्यान रखियो इस बात को, जो ठीक है लेंस में देख रहा हूं। अरे ऐसे नहीं देखना। तो इस बात का ध्यान रखियो जब भी व्लॉग बनाए, ठीक है? एक तो हाथ को दूर रख, ठीक है? और ऊपर से लेंस में देखना है, सबसे पहला पॉइंट लेंस में देखना है। अब चुप। आर्मी वाले हमें ट्रेनिंग दीजिए सर, बंदूक ऐसे पकड़नी है, ऐसे नहीं जाने लगाना है, और ऐसे शूट कर देना है बंदूक थोड़ी ना। सही, देख देख देख, सुन सुन सुन, ध्यान से, या सीरियस हो जा, दो मिनट के लिए सीरियस हो जा। तो नेक्स्ट टिप है कि बिना झिझके कैमरे, हाँ मतलब बिना शर्म करे कैमरे के लेंस में देख के बोलना है जो भी तुम्हारे मन में हो, जो भी। गाइस इसको समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, बट आप समझ रहे होगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैमरे को दूर रखो और लेंस में देखो, और आसपास के लोगों को मत देखो कौन क्या सोच रहा है, और लेंस में देखो। यार ये मेरे को बोलने ही नहीं दे रहा। जैसे कि देखो साहिल बैठा है वहाँ पे, और भी अगर मान लो पापा जी बैठे, मम्मी जी बैठे हैं, तो इस बात पे ध्यान नहीं देना कौन कौन बैठा है अपने, बस कैमरे में देख के बोलते रहो जो मन में आ रहा है, बोलते रहो। बट जो लोग इस तरह से डिस्टर्ब करें, आवाज करें, ठक ठक करें, उनसे दूर रह के ही बनाओ वीडियो। बट गाइस स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कैमरे के आगे हम बोल नहीं पाते, अगर कोई और सामने हो तो लगता है डर सा लगता है, मतलब वो धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पीयूष का तो पता नहीं कैसे ठीक हो गया, धीरे धीरे। तो हाँ गाइस धीरे धीरे जैसे जैसे आप वीडियो बनाते रहो, चुप हो जा ना, तो धीरे धीरे गाइस जैसे जैसे आप वीडियो बनाते रहोगे तो आपका सारा ठीक हो जाएगा, सारा शर्म लाज। तो गाइस नेक्स्ट टिप है कि आपको व्लॉग में पीयूष की तरह हरकतें नहीं करनी है, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ाओ इसकी तरह, बट हरकतें मत करो। ये बहुत खतरनाक हरकतें कर रहा है, जैसे कि मेरे को तंग कर रहा है तो वो थोड़ा अजीब लगता है, बट सेंस ऑफ ह्यूमर आपका अच्छा होना चाहिए, जो कि पीयूष का ठीक है। ये मतलब बीच बीच में ऐसे ऐसे डायलॉग मारता है ना, तो वो लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं, तो वो सेंस ऑफ ह्यूमर इसका अच्छा है। थैंक यू। हाँ तो वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो गाइस नेक्स्ट टिप ये है कि आपको कुछ कुछ बोलते रहना है व्लॉग में। रुक, जुआ, पक्की ना, कोई कीड़ा है। अबे यार कुछ ना कुछ बोलते रहना है, अपनी ऑडियंस के साथ में एंगेजमेंट रखना है। ऐसा नहीं है कि कहीं घूमने जा रहे तो आप वहीं के सिनेमेटिक शॉट दिखाए जा रहे हो, मतलब रास्ते की वीडियो दिखाए जा रहे हो। मतलब मैंने देखा है काफ़ी लोग बोलते हैं व्लॉग बना रहे हैं, वो पूरी वीडियो में बस वही घूमने गए तो वहाँ की वीडियो बना के डाल दी, मतलब कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे कुछ लोग। काफ़ी लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि व्लॉगिंग का मतलब होता है बाहर जाओ, बाहर की चीज़ें दिखाओ, उसको व्लॉगिंग नहीं बोलते, उसको तो बस ऐसे ही होता है। मान लो कभी मैं बाहर जाता हूँ, कुछ शॉप में गया, कुछ भी आया, वहाँ का मैंने व्लॉग ला के डाल दिया, तो वीडियो वायरल भी होगी, तो वो जो बंदे सब्सक्राइब करेंगे वो उसी चीज़ के लिए सब्सक्राइब करेंगे, वो आपके व्लॉग के लिए, आपके लाइफस्टाइल के लिए नहीं करेंगे। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल दिखानी है। तो अभी मैं पीयूष को सिखा रहा था हाउ टू व्लॉग,
तो अभी सभी के सभी आए हैं देखो बहुत दिनों के बाद, जब से लॉकडाउन हुआ है हम आज मिले, मतलब कितना टाइम हो गया, एक साल हो गया मुझको। मैं इसके ऊपर बैठा हूँ, खेलो सगाई शारदा की चोटी बनते हुए ब्यूटी पार्लर में चाइनी बहुत सुंदर लग रही है तुम। मैं रबड़ लेके आता, रबड़ नहीं है, रबड़ मत लगाओ, रबड़ नहीं है। ये हमारी चाइनीज गर्ल, ये कितनी सुंदर लग रही है, फैलाया है देखो कितनी सुंदर खिलाए ना, ये लड़कियों की लटे होते हैं वो। देखो स्वर जो है, मेरे को हाथ पेन हो रहा है यार, पेन हो रहा है, चोटी निकल। तो गाइस जब से आए ना तब से पीयूष की बेइज्जती हो जा रही है, अरे अरे फिर हो गई है। अबे यार गिरेगा ना तब चलेगा पता, हम पकड़ नहीं करेगा बड़े में जैसे गई थी। किस दिन वीडियो बनाएंगे पबजी की, सारे सामने बैठ के और साथ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चलेगी और कैमरा भी लगा लेंगे, फिर पबजी खेलेंगे। नहीं मैं सिर्फ देखूंगी, मुझे लेकिन पबजी पबजी लेकिन पबजी लाइट नहीं, लाइट नहीं। अरे कौन सी पबजी ले, मेरे को खेल लाइट खेलनी पड़ेगी, लाइट खेलनी पड़ेगी और क्या, क्यों मोबाइल खेलेगा, मोबाइल में क्या है, आधा घंटा उसको डाउनलोड करना है, मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है, मोबाइल में बोट नहीं आते, मोबाइल मर जाएगी आती, मर जाएगी पहले बंदा मार दिया तेरे को। लाइट मैंने खेली नहीं, लाइट में क्या होता है, लाइट में बोट आते हैं, ये पबजी खेलता है लाइट, अभी साहिल ने बोला है तो बोला चुप, लाइट खेलता है लाइट रोज, जब तो लोग में आप कहते फोन क्या छुपाता है, ये गेम छुपाना है तब नहीं, ऐसे थोड़ी छुपाऊंगा बंदा आगे आगे भी। मैं सिल्वर 5 पे, सिल्वर 5 पे कल तो डाउनलोड की, यू गोल्डन 3rd पता ही नहीं, ब्राउन जो बड़ी होगी किसमें, ये डायमंड 1st यानी किस पे है, ये शायद किस पे है, खेलती नहीं है, खेलती नहीं फिर देखती है बस, ब्लैक एग्जाम नहीं हुए इसके, दो रहते ना अभी भी उसको साइंस कोर पढ़ती है, मैं बोलेगी मम्मी सारा याद है क्या पढूं मैं इसको, अम्मा ने आज चश्मा डाला है, हाँ गुंजन ने बनाया आज चश्मा, वाइट चश्मा, बोलो अम्मा कुछ जो मैंने आपको सिखाया है, वेब चैनल पूरा बोलो एक साथ, माय चैनल वेलकम, माय चैनल बैक, ना बैक चैनल, चुप हो जाना अपने आप बोलेगी, माय बोलो ना, बोल तो दिया पूरा बताओ ना पूरा, जैसे मैंने आपको बताया था कोई याद करो, वेलकम माय चैनल, मुझे आईडी बोलियो अपनी, आईडी पता तो नहीं है, आईडी याद नहीं है, याद ही नहीं है, अरे मतलब कुछ नंबर है ना वो देखना पड़ेगा। तो गाइस ये सब तो सारे पबजी पे लग चुके हैं, अब हम क्या करें, तो बोर कर रहे हैं गाइस ये पबजी खेल खेल के, कोई एक मिनट रुक जाए पहले, एक मिनट रुक, कुछ पंगा तो नहीं है, तो बहुत लोग देखते हैं कुछ आईडी बताने से। तो गाइस अब गुंजन आपको अपनी पबजी की आईडी बताएगी, पबजी लाइट है 7294141912 मेरी आईडी है, मेरी आईडी है गाइस, प्रो की प्लेयर है, प्रो की प्लेयर है, प्रो प्लेयर, चिकन डिनर आ जाना सबको, चिकन डिनर फिर खाएंगे, पर यहाँ पे तो मतलब सारी शॉप्स वगैरह खुल गई है, मतलब सारी तो नहीं मतलब थोड़ी बहुत टाइम टाइम है उनका भी, क्योंकि हमारे सिटी में एक भी केस नहीं है, तो धीरे धीरे सब कुछ, वैसे लोग बहुत घूम रहे हैं बट हम घूम नहीं रहे कहीं भी, हम ऐसे ही घर में वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, क्या क्या अनोखा हो गया यहाँ पे आके, पबजी तो खेल रहे हो तुम, घर घर में गाइस सब बिगड़ चुके हैं, पबजी के पीछे लगे हुए हैं, अंकल आंटी भी खेलने लगे आज बहुत, कुछ भी मतलब कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी स्किल्स नहीं सीख रहे हैं, पबजी के स्किल्स बढ़ा रहे हैं, कितने किल किए कितने रिवाइव किए कितने क्या किए, मैं तो बिल्कुल ही नहीं खेलती, इतना लॉकडाउन हो गया इतने दिन तुम घर में पड़े हो, पड़े ही हो तुम घर में, क्या किया तुमने कुछ, मैं घर का काम, मैंने नई नई डिश बनाई पहले भी, घर का काम
नई नई डिश बनानी, जो उनको काम कराती हूँ उसी में टाइम बीत जाता है। केक बनाया मैंने, बनाया हमने गुलाब जामुन बनाए थे, ठीक है, फिंगर चिप्स लगाते रहते हैं। चलो गाइस चलते हैं, बाय। ओके बाय, मिलते हैं फिर कभी किसी ब्लॉग में इनके साथ में, 3-4 दिन बाद फिर आ जाऊंगा। तो थंबनेल के लिए पीयूष कहाँ है? पीयूष दिख रहा नहीं, आओ पीयूष, आओ हमारी पिंकी दीदी। पीयूष कहाँ गई तू? गाइस बड़े बाबू मना रहे रुवीरा का। तो गाइस पीयूष दिख गया दूसरी बार। तो गाइस पीयूष दूसरी बार दिख गया, ये 8वीं बार दिख गया गाइस। तो गाइस पीयूष दूसरी बार, मैं तो दिखूंगा ही। गाइस ये देखो क्या है, एलोवेरा का जूस। तो जूस तो सुबह बनाओगे ना? तो हमारे पापा जी हेल्थ कॉन्शियस एलोवेरा का जूस पीते हैं। पीयूष ने अपना वादा तोड़ दिया है और व्लॉग में आया। हाँ, दूसरा बार आया, मजा आ गया। पापा जी की बेइज्जती हो गई है, दो बार दो। पापा जी ऐसे खा लोगे आप? हाँ? खा के दिखाओ, खा के दिखाओ, खा के दिखा। क्या लिया खा लिया? हैं? नहीं खाना भाई, नहीं खाना, कुछ देता है नहीं खाना। पापा जी का है वो, पापा जी हेल्थ कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस ना, एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा इसमें से, ये खा ले। मम्मी जी आप भी पीते हो जूस एलोवेरा का? पीना पड़ता है गाइस, मैंने एक दिन पिया था ना, गाइस मुझको कुछ नहीं कहना। तू तो ब्लॉग में आ रहा था, निकल चल, मैं ब्लॉग में आएगा, ब्लॉग में चल, ब्लॉग में आ रहा है, ब्लॉग में, ब्लॉग में आएगा। गिरा बिरा मत दियो, चोट लग जाएगी उसको। ओए ओए क्या हो गया तेरे को? क्या हो गया? क्या हो गया? पागल हो गया। सो गाइस फिलहाल हम सोते हैं और इस व्लॉग को करता हूँ एंड। नींद आ रही। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। और आज काफी मजा आया, गुंजन और भी आए थे बहुत दिनों में, लॉकडाउन में आज पहली बार मिले हम, तो हाँ काफी मजे किए। आपके साथ शेयर किया, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।